गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 12:15 बज रहे हैं। रात काफ़ी लेट हो गया था सोने में, तो इसीलिए लेट उठा हूँ। और अभी पहले मैं एक बार नीचे एक कॉफ़ी पी करके आता हूँ, उसके बाद फिर आके फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा। ट्रेनें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन कलर बड़ा सिंपल सा है और मतलब ज़बरदस्त है इसका। मेट्रो में पेरिस से बेटर ही है।
बस स्टेशन है देखो, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे तो ये कौन सा है, हेल्सिंगफोर्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, सॉरी पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि वो क्योंकि अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है। और यहाँ से मेरी ट्रेन आने वाली है 4 मिनट बाद, और कल मैं वापस जा रहा हूँ इस्टोनिया, और इस्टोनिया से फिर अगर मेरा वीज़ा US का प्रोसेस हो जाता है परसों, तो फिर मैं पहले मैक्सिको जाऊँगा। वैसे तो मैक्सिको मैं सैनिगन वीज़ा पे भी जा सकता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि टिकट सस्ती है तो फिर मैं मैक्सिको निकल जाऊँगा, और अगर US वीज़ा प्रोसेस हो जाता है तो फिर मैं मैक्सिको से US जाऊँगा, अदरवाइज मैं मैक्सिको से वापस फिर रिटर्न इंडिया के लिए। बाकी आगे अपडेट करता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अभी मैंने चेकआउट कर दिया है हेलसिंकी से, हम फिनलैंड से मैं अब निकल रहा हूँ वापस इस्टोनिया, बाय शिप जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मेरा तक 1:30 बजे का है, तो अभी तो मैं सीधा यहाँ से पोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे कम आधा घंटा अभी पोर्ट पहुँचने में लगेगा, और उसके बाद पोर्ट पे ये देखना है जाकर के मेरा टिकट, अगर वो पहले वाला रिफंड हो जाता है तो, क्योंकि मैंने पहले मेरा 24 तारीख का रिटर्न था यहाँ से, लेकिन मेरा जो अपॉइंटमेंट है वहाँ पर, जो मैंने वीज़ा अपॉइंटमेंट लिया हुआ है US का, वो मेरा 23 का मैंने रिशेड्यूल हो गया था, देखता हूँ कि क्या अपडेट आता है। अभी तो मैं पहले तो मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे ना मुझे सबसे अच्छा एक चीज़ अच्छा लगा, ट्रैवलिंग बहुत सस्ता और बहुत इजी है अकॉर्डिंग टू अदर कंट्री, अगर आप और दूसरी कंट्री में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, ये मैंने देखा है, बट यूरोप में अगर आप तरीके से ट्रैवल करो ना, तो सच में आपको ना बिल्कुल भी मतलब पता ही नहीं लगेगा कि आपने कुछ मतलब ट्रैवलिंग में खर्च किया भी है, क्योंकि नॉर्मली इतना तो हम इंडिया में भी खर्च कर ही देते हैं यार, अगर आप नॉर्मली कहीं से जाने के लिए अगर आप कैब भी करते हो तो 400 से 500 रुपए लगते ही लगते हैं, बट आपको कैब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधे पास बनवाना है डे बेसिस पे, और पास बनवा करके आप उससे ट्रैवल कर सकते हो इजीली, कोई भी उसमें वो नहीं है। चलो बाकी मैं भी एक बार चेक इन करके फिर आप लोगों को अंदर जा करके एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा, उसमें दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जहाज से सफर की शुरुआत करी थी मैंने फिनलैंड में, वहीं पे इस सफ़र का अंत करता हूँ, और आगे यहाँ से मैं इस्टोनिया के लिए जा रहा हूँ, बाकी इस्टोनिया पहुँच के फिर आपको एक नया ब्लॉग बना के उसमें अपडेट करूँ। एरिया में शायद 1 बजे करीब चेक इन स्टार्ट हो जाएगा, हालांकि बोर्डिंग पास मुझे मिल गया, बट
अभी सिर्फ वेट करना है।